बेटा दो मेथड हम पढ़ चुके हैं, थर्ड है सोमैटोगैमी। इसमें कोई सेक्स ऑर्गन नहीं बनता, नो सेक्स ऑर्गन फॉर्म्ड। उन दोनों में तो पढ़े थे ना गैमिटेंजिया, इसमें नो सेक्स ऑर्गन फॉर्म्ड। इसमें क्या होगा, दो माइसीलियम क्लोज आएंगे और उनकी सेल फ्यूज हो जाएगी, टू माइसीलियम कम क्लोजर एंड सेल फ्यूजेस। जैसे ये एक माइसीलियम बेटा, ये दूसरा माइसीलियम, ये दोनों फ्यूज किए और सेल्स फ्यूज कर जाएंगी और आगे न्यू फंगस आ जाएगी, ठीक है। अब बेटा जो आपने अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा है, इसमें जो स्पोर्स बनेंगे आपको याद रखने हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्पोर्स के नाम क्या क्या थे। एक तो था बेटा इसमें जो स्ट्रक्चर बना स्पोर का, वो था ऊ स्पोर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा था, एक था ऊ स्पोर, एक इसके अंदर बना है बेटा, सेकंड हमने पढ़ा है जाइगोस्पोर, एक बन सकता है बेटा इसमें एस्कोस्पोर, और एक बन सकता है बेटा इसमें बेसिडियोस्पोर। तो ये चार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनने वाले स्पोर्स हैं और एसेक्सुअल के हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है जी। वो कौन से थे, स्पोरेंजियो स्पोर था, उसमें एक कोनिडिया था बेटा। अब इसके बाद फंगस की क्लासेस कौन कौन सी है, मतलब ये तो हमने देखा कि फंगस के करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, फंगस कैसे कैसे रिप्रोड्यूस करती है, सेक्सुअल करती है, एसेक्सुअल करती है और वेजिटेटिव करती है, ये तो सबके कॉमन करेक्टर्स हमने पढ़ लिए। अब फंगस की क्लासेस कौन कौन सी हैं, क्लासेस अब हमने जो इसकी टाइप्स देखनी है उनके अंदर बेटा, पहली है फाइकोमाइसीट्स। एक तो होती है बेटा फाइकोमाइसीट्स, सेकेंड है बेटा एस्कोमाइसीट्स, थर्ड है बेटा बेसिडियोमाइसीट्स, हाँ जी फाइको एस्को बेसिडियो, और एक है बेटा ड्यूटीरोमाइसीट्स। ये किस बेस के ऊपर हमने इनको क्लासिफाई किया है, ऑन बेसिस ऑफ माइसीलियम, कि कैसा है उनकी बॉडी कैसी है फंगस की, ऑन बेसिस ऑफ माइसीलियम एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि किस मोड से वो रिप्रोड्यूस करती हैं, इन बेसिस के ऊपर हमने फंगस को फोर क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है, फाइकोमाइसीट से लेके ड्यूटीरोमाइसीट्स तक। नाम मैं रिपीट कर दे रहा हूं, फाइको एस्को बेसिडियो और ड्यूटीरोमाइसीट्स आर द फोर टाइप्स ऑफ द फंगस। इनमें पहली है बेटा फाइकोमाइसीट्स, फाइकोमाइसीट्स ये कौन से फंगस हैं, इस फंगस में जितनी भी एग्जाम्पल्स हम पढ़ेंगे उनको हम कहते हैं बेटा लोअर फंगी, मतलब इस क्लास में आने वालों को लोअर फंगी कहते हैं। कहाँ मिलते हैं ये सारे पानी में मिलते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट में, एक्वेटिक हैबिटेट वाली ये फंगस है, हाँ जी। इस क्लास में जो फंगस आती है उसको एल्गल फंगस भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एल्गल फंगी, ठीक है। इसके बाद है बेटा ये किस पे फूड किससे लेते हैं, ये डिकेइंग वुड के ऊपर ग्रो करते हैं, और ये कैसे हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स का मतलब ये सिर्फ प्लांट्स पे ही ग्रो कर सकते हैं एज पैरासाइटिक, पैरासाइट्स की फॉर्म में ये सिर्फ प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं, जैसे ये डिकेइंग वुड के ऊपर ग्रो कर गए, जैसे
तो मींस ये प्लांट पे डिपेंडेंट है। अब इसके बाद इनका माइसीलियम कैसा होता है, इनकी फंगस की बॉडी कैसी होती है, इनका जो माइसीलियम है, माइसीलियम समझ रहे हैं ना, प्लांट इसकी फंगस की बॉडी, इसका जो माइसीलियम है वो कोइनोसाइटिक है। कोइनोसाइटिक का मतलब बेटा कि इनकी जो आइफा के अंदर, जैसे ये फिलामेंट है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड मिलेगा आपको, इसकी जो सेल्स है ना उनके बीच में सेप्टा नहीं है, इनके बीच में सेप्टा नहीं है, तो मतलब ये कैसे हैं, एसेप्टिक। जैसे इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 सेल्स हैं, तो इन सेल्स के बीच में सेप्टा नहीं मिलता, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होगी, इन सारी सेल्स के न्यूक्लियस ये हो गए एक साथ, तो इसको क्या काम ने, कोइनोसाइटिक, और सेप्टा बीच में डिवीजन नहीं है, तो क्या हो गई, एसेप्टिक। और ये हाइफा कैसे हो सकते हैं, ब्रांच्ड, इसके हाइफा ब्रांच्ड भी मिल सकते हैं। इसमें आने वाले और कौन कौन है, जैसे इसमें ग्रुप जो आता है वो ओमाइसीट और जाइगोमाइसीट, इसमें आने वाला ग्रुप है बेटा ओमाइसीट और जाइगोमाइसीट, ठीक है। ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, ओमाइसीट वाली जो क्लास होती है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं बेटा, कोनिडिया से और जूस्पोर से। अब आपको सारे नाम समझ आ जाएंगे ना, एसेक्सुअल करते हैं जूस्पोर से और कोनिडिया से। इसके बाद बेटा सेक्सुअल कैसे करते हैं, ये करते हैं सेक्सुअल बाय गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट, अभी सारा पढ़ा अपन, तो ये सेक्सुअल करते हैं बेटा गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट से, ओके। अब इसमें आने वाले कौन कौन है फाइकोमाइसीट्स में, इसके एग्जांपल्स और उनसे होने वाली डिजीजेस, इसमें आने वाला एक है बेटा पाइथोपथोरा इन्फेस्टेंस, पाइथोपथोरा इन्फेस्टेंस, फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस, ये क्या डिजीज करते हैं, ये डिजीज करते हैं बेटा लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज फाइकोमाइसीट से होती है, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में इसके क्वेश्चन आते हैं बेटा। इस डिजीज को दिस डिजीज ऑल्सो कॉल्ड, इस डिजीज को एक नया नाम दे सकते हो आप, फेमिन ऑफ आयरलैंड, फेमिन ऑफ आयरलैंड, हाँ जी 1845। इसके बाद आता है बेटा पाइथियम स्पीसीज, सेकेंड एग्जाम्पल, फर्स्ट तो फाइटो, सेकेंड पाइथियम स्पीसीज, ये क्या करता है, डैम्पिंग ऑफ डिजीज ऑफ तंबाकू, डैम्पिंग ऑफ डिजीज ऑफ तंबाकू प्लांट, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, डैम्पिंग ऑफ डिजीज ऑफ तंबाकू, इसके पैथोजन के नाम आपको पता होना चाहिए बेटा। थर्ड एग्जाम्पल है बेटा स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला, हाँ जी, ये क्या करता है, ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा, ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा का पैथोजन है बेटा ये, ओके। इसमें एक एग्जांपल और आता है बेटा एल्ब्यूगो कॉन्डिटा, हाँ जी, ये क्या करता है, व्हाइट रस्ट और व्हाइट स्पोर्ट्स, व्हाइट रस्ट और व्हाइट स्पोर्ट्स, किसमें डिजीज कॉज करता है, इन द मेंबर ऑफ क्रूसीफेरियस, इस फैमिली में डिजीज कॉज करता है। और लास्ट है बेटा
सेप्रोलिजिनिया। पैरासाइटिका, ये क्या कॉज करता है? इट कॉजेज डिजीज इन सैल्मन फिश। यहां तक आपने चैप्टर रीड करना, अंडरलाइन करना, और इन डिजीजेस के नाम आप अच्छे से जरूर याद करिएगा बेटा। ये डिजीजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये जो हमने टाइप्स पढ़ी हैं, ये किसकी थी बेटा? फाइकोमाइसीट्स की। फाइकोमाइसीट्स में किसकी? ऊमाइसीट्स की। और अब इसमें सेकेंड टॉपिक जाइगोमाइसीट्स, और बाकी ये जो क्लास बच गई हैं फंगस की, एस्पो, बेसिडियो और ड्यूटीरो, ये नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में ये आपका फंगस किंगडम कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू, वन नाइस डे।